हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद ये मेरे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। मेरे हिसाब से तो है, आपके हिसाब से शायद देखेंगे वीडियो के बाद कि ये क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत ही मच अवेटेड मच नीडेड टॉपिक था जिसपे हम लोगों को बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को आपस में बात करनी चाहिए, मेंबर्स से स्टूडेंट्स को बात करनी चाहिए और मेंबर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी देखना चाहिए कि आपका प्रोफेशन कहाँ जा रहा है। क्योंकि मैं खुद सीएस मेंबर नहीं हूँ, मैं एक सीएस नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बट मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स जा रही हैं और आपकी वॉइस में मैं थोड़ा आपका साथ दूंगा। ठीक है, इंटेंशन बहुत ही पॉजिटिव है। मैं चाहता हूँ कि बहुत पॉजिटिव फील से इस वीडियो को आप देखें। कोई ऐसा मोटिव नहीं है, कोई गलत मोटिव नहीं है, बस जो स्टूडेंट्स की वॉइस है, जो आवाज़ है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो और आप पहुँचाओ जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। जब ये मतलब अगर आपको चेंज करना है तो आवाज़ कहीं तक पहुँचनी चाहिए। तो ये जो भी काउंसिल मेंबर्स हैं, जो भी प्रेसिडेंट सर हैं, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर हैं, वहाँ तक उनको आपको पहुँचाना है ताकि वो भी इस टॉपिक को सोचें, क्योंकि उनको अभी तक हो सकता है पता ही ना हो या उनको ये लग न रहा हो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत मतलब सालों से चलते आ रहा है। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, किसी ने कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की है या किसी ने कोई इशू रेज नहीं किया है, इस वजह से ये चलते आ रहा है और कोई लॉजिक इसका नहीं है, और कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो जो बच्चों को ये दिक्कतें हो रही हैं, जो जो लोगों को लगता है कि ये बातें प्रॉब्लम्स हैं और ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, इसमें आईसीएसआई है और जो भी मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं, उनको कुछ अगर करना चाहिए, अगर ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है। ये पूरी बातें जो मैं आज करने वाला हूँ ये स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, स्टूडेंट के रोज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है, वन टू वन रिलेटेड है। और आपको ये फील होगा ये पूरे वीडियो में और आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे मुझसे हर बात पे, हर टॉपिक पे आप इत्तेफाक रखोगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, हाँ ये गलत है, हाँ ये हमको इससे परेशानी हो रही है। ठीक है, तो मैंने 6 पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं। क्योंकि मैं प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा डील नहीं करता हूँ, तो मैंने प्रोफेशनल लेवल के पॉइंट्स इसमें ज़्यादा खास डाले नहीं हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है और कुछ फाउंडेशन लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। ये 6 ही प्रॉब्लम्स हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे नज़र में ये 6 प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं बच्चों को, वो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप सामने रखें, मुझे बताएं, बाकी टीचर्स को बताएं, सीएस मेंबर्स को बताएं, बराबर। तो ये सिर्फ मेरे नज़र में जो 6 प्रॉब्लम्स हैं और भी हैं, पर मैंने उसको वीडियो में इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं समझा। तो 6 बड़े जो इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ आईसीएसआई ने कुछ सॉल्यूशन सोचना चाहिए। बच्चों को इन प्रॉब्लम्स में बहुत गुजरना पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उनके जो एस्पिरेशंस हैं सीएस बनने के, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और इसको इस पर सोचना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला जो काफ़ी लोगों ने बोला है और सबको पता है और ये चलते आ रहा है और मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है, तो वन डे लीव मिलनी चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कोर्स चेंज हो रहा है, लोग ये समझ नहीं रहे, मेंबर्स या जो भी लोग जुड़े हुए हैं ये समझ नहीं रहे कि सिलेबस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिलेबस पहले से ही वास्ट था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिलेबस कम था, पर सिलेबस की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो डेप्थ है और जो चीज़ें इतना जो स्कोप और गैमिट बढ़ते जा रहा है, उसके लिए ये वन डे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं बच्चों की, हम मेमोरी पावर यूज मतलब उनका चेक नहीं करना चाहते, जो काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाया हुआ है और सबको ये एक पता ही है और ये सबको लगता ही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर अबाउट मेमोरी पावर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेमोरी पावर चेक मत करो, क्योंकि ये फील्ड फुल ऑफ लॉज है, फुल ऑफ सेक्शन नंबर्स हैं, फुल ऑफ केस स्टडीज़ हैं। तो आपको एक दिन एटलीस्ट देना चाहिए कि बच्चा जो पूरा एक साल पढ़ रहा है उसको अच्छे से एक रिविजन न मिले अगर, तो वो रिकॉल कैसे करेगा। तो बहुत बड़ा इशू है जो मुझे लगता है कि वन डे लीव मिलना चाहिए। अभी मिलती है नहीं, और मिलती भी है तो वो बिकॉज ऑफ संडे मिलती है या बिकॉज ऑफ एनी फेस्टिवल मिलती है, ऐसा कोई फिक्स्ड हॉलीडे होता नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि हर पेपर में एमसीक्यू हो, रिटर्न हो या जो भी हो, कोई भी लेवल हो, फाउंडेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, वन डे लीव मिलना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ने जो इतनी मेहनत की है उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर रिवाइज करके अपना पूरा पोटेंशियल आईसीएसआई को दिखाने का। तो
तो ये मुझे लगता है कि ये एक बेसिक राइट है सीएस स्टूडेंट का कि वन डे लीव आप दो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और जब तक एक प्रॉपर रिवीजन ना हो, भले आपने कितने भी मंथ से वो पढ़ा हो, भले कितना भी आपको अच्छे से वो समझा हुआ हो, पर अगर आप उसको एक बार एग्जाम के पहले प्रॉपरली पढ़ते नहीं हो, वो आपको याद नहीं आता है और वो मेमोरी का एक प्रॉब्लम होता ही है। और बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं, पर वो सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन है कि आईसीएसआई को वन डे लीव देनी चाहिए और इससे काफ़ी क्वालिटी बढ़ेगी, बच्चों का एक मोटिवेशन बढ़ेगा और ये कोर्स को बहुत ही एक पॉजिटिव पुश मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बेसिक चीज़ है और ये जितना जल्दी आ सकती है उतना अच्छा हो जाएगा ये प्रोफेशन के लिए, ये कोर्स के लिए। ठीक है, तो वन डे लीव मिलना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज कर पाओ और अपना 100% देके आप अपना पूरा कैलिबर दिखाने का आपको चांस मिले। ये बहुत बड़ा बेसिक राइट अभी मिसिंग है। ठीक है, फिर सेकेंड है, सजेस्टेड आंसर्स शुड बी रिलीज्ड ऑन वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक एनी द मटेरियल। स्टडी सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, मुझे पता नहीं है कि वेबसाइट पे तो नहीं मिलते हैं, शायद ब्रांचेस पे फिजिकल कॉपी मिलती है, पर ब्रांचेस कितनी कम है आईसीएसआई की आपको खुद को पता है, फिजिकली जाके ब्रांच में आप कैसे बाय करोगे। तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि सजेस्टेड आंसर बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बाकी बहुत सारे कोर्सेज में भी दिए जाते हैं, और क्योंकि इससे एक सर्टेनिटी आती है। अब सजेस्टेड आंसर्स नहीं है तो क्या दिक्कतें होती हैं, लोगों को पता ही नहीं कि कैसे प्रिपेयर करें, आईसीएसआई की एक्सपेक्टेशन क्या है ये नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि सीएस स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो आधी अधूरी रह जाती है बिकॉज उनको सजेस्टेड आंसर्स नहीं है। तो जो भी बहुत सारे अलग अलग शहरों से छोटे छोटे गांवों से लोग सीएस कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन इस कोर्स का बढ़ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि सजेस्टेड आंसर्स ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये आईसीएसआई के वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मॉड्यूल्स और जो भी मटेरियल आईसीएसआई रिलीज करता है उसके साथ साथ सजेस्टेड आंसर भी रिलीज होने चाहिए, और ये मैं हर लेवल की बात कर रहा हूँ, सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। ये बेसिक राइट है, एक बच्चे का जो एग्जाम दे रहा है उसे पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, सजेस्टेड आंसर्स क्या है और हम किस तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें, बरोबर, क्योंकि स्टडी मटेरियल और बाकी चीजों में कवर्ड नहीं है। करेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, काफी इंटरप्रिटेशंस और अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट को आईसीएसआई ने, इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए कि ये कैसे उनको टैकल करना चाहिए और उनको एटलीस्ट सजेस्टेड आंसर प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो जाए तो वो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और ये भी एक क्वालिटी वाला पॉइंट है, इससे क्वालिटी बहुत बढ़ेगी और एक्सपेक्टेशन जो आईसीएसआई की वो बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। अब हो क्या रहा है कि इंस्टीट्यूट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और वो इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को बता ही नहीं रहा, अब वो बच्चे अंधाधुन चल रहे, हवा में टोले मार रहे, तो इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूट को लगता है कि बच्चे प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बच्चे पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली बताई नहीं है कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या लेंथ होनी चाहिए, बरोबर, कुछ भी नहीं बताया आपने, तो ये बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इससे इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एटलीस्ट माइंडसेट में, बच्चे का माइंडसेट, बच्चे का जो मोटिवेशन होगा वो बहुत अलग लेवल पे होगा और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। अभी वो डायरेक्शन लेस है, अभी वो डायरेक्शन लेस है, जो राइटिंग वाले पेपर है न्यू सिलेबस में तो वैसे ही सब राइटिंग वाले हैं, तो उनको डायरेक्शन नहीं है कि उनको प्रेजेंट कितना करना है, कैसे करना है। बड़े बड़े टॉपिक्स आप 4 मार्क के लिए पूछ लेते हो, या बहुत छोटे छोटे टॉपिक आप 4 मार्क के लिए पूछ लेते हो, वो दोनों गलत हैं। 2 लाइन का अगर आंसर है और आप 4 मार्क के लिए पूछ रहे हो तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि 2 लाइन पे 4 मार्क कैसे मिलेंगे, और अगर कोई टॉपिक 8 मार्क का है और आप 4 मार्क के लिए पूछ रहे हो तो भी वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखूँ, क्या क्या पॉइंट्स नहीं लिखूँ। तो दोनों केसेस में हार स्टूडेंट की हो रही है और अल्टीमेटली ये कोर्स की हार होती है, ये इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, आईसीएसआई को सजेस्टेड आंसर्स और प्रॉपर की लैंग्वेज कैसी लिखनी है, क्या लेंथ होनी चाहिए, बहुत सारे टॉपिक पे कोई ना कोई मटेरियल में गाइडेंस देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। फिर है थर्ड, स्टडी मटेरियल अपडेटेड नहीं मिलता है, जो बहुत अभी एग्जीक्यूटिव बच्चों को पता होगा कि 2-3 साल पुराना मटेरियल है वो चल रहा है और हर 6-6 महीने में सप्लीमेंट्री इशू की जाती है, अपडेटेड पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ना ऑनलाइन अवेलेबल है और ना कुछ बच्चों के पास फिजिकल कॉपी है, तो उनको सप्लीमेंट्री के साथ ही पढ़ना है। अब जब अमेंडमेंट्स बहुत ही थोड़े से होते हैं, 10-12-15 अमेंडमेंट्स हैं, तो चलो ये जो मैकेनिज्म है पढ़ने का ये चल जाता है,
पर आज की डेट में जो कंपनी लॉ की हालत है, जो आपको पता है कि कितने सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, 100-100 अमेंडमेंट आ रहे हैं हर 6-6 महीने में, तो 100-100 अमेंडमेंट्स कोई बच्चा सप्लीमेंट्री से कैसे पढ़ेगा? कितना इनकन्वीनियंट है, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो बच्चे के लिए कि स्टडी मटेरियल ओल्ड है और आप सप्लीमेंट्री दे रहे हो, वो सप्लीमेंट्री से कैसे पढ़ेगा, वो कैसे कोरिलेट करेगा, उसको कैसे पता कि कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट है कैसे, और आपने कोई कंपैरेटिव वे में भी उसको प्रॉपरली दिया नहीं कि क्या चेंज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है, बहुत बड़ा टाइम वेस्टिंग फैक्टर है। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को थोड़ी इसमें मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा स्टाफ बढ़ाना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट को करना है कुछ करके हर अटेम्प्ट में अपडेटेड स्टडी मटेरियल रिलीज करना चाहिए, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर के रेफरेंसेस बुक नहीं ले सकते हैं, वो पूरे डिपेंडेंट होते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पे। तो वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे जब इतना ज़्यादा भरोसा है बच्चों को और अगर वो अपडेटेड ना हो तो कितना बड़ा धोखा है। आप सोचो कि वो इतने अमेंडेड वाले सब्जेक्ट को 1.5 साल पुराना वाला पढ़ रहे और सप्लीमेंट्री को वो किस तरह से पढ़ना है उनको नहीं समझ में आता, बराबर, तो कौन से सेक्शन में कौन से पेज नंबर पे क्या चेंज हुआ है उनको कुछ समझ में नहीं आता। इतना आसान नहीं होता ये, हर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो इनकॉर्पोरेट करके ही इंस्टीट्यूट को एक प्रॉपर टाइमिंग पे देना चाहिए जिससे बच्चा प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि देखो सब्जेक्ट एक हो या दो हो, फेल तो फेल ही होता है, ग्रुप तो पूरा ही रह जाता है एग्रीगेट नहीं निकला तो। इसलिए प्रॉब्लम है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप वाला बच्चा है, कंपनी लॉ अगर उसका नहीं निकल रहा है तो वो पूरी मेहनत उसकी वेस्ट है। भले उसको बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक मिले होंगे पर 60 क्रॉस नहीं हो पाए अगर, तो वो उसको पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ जस्ट वन सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉ में एटलीस्ट, चलो इतना बड़ा एक काम है, कोई मजाक भी नहीं है, मैं भी जानता हूं कि कितने एफर्ट इसमें लगने वाले हैं, तो एटलीस्ट कंपनी लॉ के लिए तो भी आप अमेंडेड मटेरियल दो, जो कि एक फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट है। जीएसटी का भी आप अपडेटेड मटेरियल दो, जो आपका एक कोर एरिया है सीएस कोर्स का, तो एटलीस्ट कोर एरियाज में तो भी आप अपडेटेड स्टडी मटेरियल दो जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे को पूरा नॉलेज हो, इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन स्किल्स हो, तो उसमें एटलीस्ट आपको मटेरियल अमेंडेड देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है और आई डोंट नो कि ये लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसको बहुत ऑब्जेक्ट करना चाहिए और इसमें बोलना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि आप अमेंडेड मटेरियल दीजिए, ठीक है। फिर है अब कुछ फाउंडेशन के एक दो पॉइंट्स हैं कि ये भी बहुत गलत बात हो रही है, कम से कम 6 अटेम्प्ट से हो रहा है, 5 से 6 अटेम्प्ट से हो रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है सीएस फाउंडेशन का, ऑनलाइन होता है और उसमें सब्जेक्ट वाइज उन्होंने इंटरनल वेटेज दिए हुए हैं कि कितना किसका सब वेटेज है, उसमें सब सब्जेक्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं और उसमें प्रॉपर डिविजन्स होते हैं। तो उसमें एक बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा कि अगर मेरा 80 मार्क का अकाउंट्स है, 20 मार्क का ऑडिट है, या 70 मार्क का अकाउंट्स है, 30 मार्क का ऑडिट है, तो वो 70 के हिसाब से पढ़ेगा और ऑडिट को 30 के हिसाब से ही पढ़ेगा, बराबर। वेटेज तो सबसे मेन बेसिक चीज़ है ना, और जब आपने अपने मटेरियल में ही दिया है कि ऑडिट 30 का है तो वो 30 के हिसाब से पढ़ेगा, डेप्थ और जो भी है जो लेवल से वो पढ़ेगा, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने डेप्थ में और किस नजरिए से पढ़ना है। तो हो क्या रहा है अभी पेपर में कि वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट करता है पेपर, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत मस्त है वो टेक्निक कि हर बच्चे का पेपर अलग आता है और सब ऑटो जनरेटेड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट उसमें इंटरनल वेटेज फॉलो नहीं किया जा रहा, उस सॉफ्टवेयर जो वो सॉफ्टवेयर होगा जो एग्जाम वो पेपर्स ऑटो जनरेट करता है, उसमें वो कोडिंग या उसमें कुछ फिल्टर नहीं डाला गया है कि भैया अकाउंट्स के जब आप पेपर क्वेश्चंस निकालो तो आप सिर्फ 70 मार्क्स के निकालो या 35 क्वेश्चंस निकालो सिर्फ, वो ऑटो जनरेट हो रहा है तो कभी उसमें 25 क्वेश्चन आ जाते हैं अकाउंट्स के, कभी 30 आते हैं, कभी 40 आते हैं, तो वो अलग अलग वेटेज आ रहा है। जो ऑडिट 30 मार्क का होना चाहिए किसी को 10 मार्क के लिए आ रहा है, किसी को 40 के लिए आ रहा है, किसी को 50 के लिए आ रहा है, तो बहुत ही ब्लंडर हो रहा है, बहुत ही बेसिक ब्लंडर है जो आई डोंट नो कि 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट से लोग क्यों इसको सह रहे हैं, क्यों इंस्टीट्यूट को कोई कंप्लेन नहीं गई है या क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में इंटरनल वेटेज है, हर सब्जेक्ट में पार्ट्स हैं, किसमें 2 पार्ट्स है, किसमें 3 पार्ट्स है, किसमें 4 पार्ट्स है, और अगर आप इंटरनल वेटेज फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे काम होगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे, वो क्या माइंडसेट से पेपर देगा और कितना बुरा असर पड़ता है माइंडसेट पे कि जो 10 मार्क या 20 मार्क का पार्ट है अगर आपको 60 मार्क का आ गया तो आप तो डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपने 10 मार्क 20 मार्क के हिसाब से उसको पढ़ा था और आपको 60 मार्क का आ गया। तो ये बहुत बहुत गलत बात हो रही है, बहुत ही फंडामेंटल गलत बात हो रही है। तो इसको बहुत जल्दी आपको इंस्टीट्यूट के जो
नॉलेज में लाना चाहिए कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अमेंड कीजिए, थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर अमेंड करना है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कि फर्स्ट एग्जाम में बच्चा अगर फेल हो गया तो क्या नज़र से आगे उस कोर्स को देखेगा कि अगर मैं फाउंडेशन करने के लायक नहीं हूँ, मैं फाउंडेशन में फेल हो रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही चार सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक लेवल का कोर्स है, एमसीक्यू पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, फिर भी अगर वो फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो उनका क्या मोरल रहेगा ये कोर्स को प्रोसीड करने का। सोच के देखिए कि अगर कोई बच्चा इस इंटरनल वेटेज के चक्कर में फेल होता है, कितना बड़ा ब्लंडर है ये। वो सीधे सीएस कोर्स छोड़ देता है और वो कुछ और कोर्स परस्यू करता है, जबकि उसकी गलती नहीं है, उसने पूरी पढ़ाई की थी, उसने प्रॉपरली स्टडी किया था, पर इंटरनल वेटेज के चक्कर में वो रह गया। तो ऐसा होता है, ये बहुत गलत है, बहुत सरप्राइजिंग है ये, ठीक है? तो ये बहुत मतलब अर्जेंट चीज़ है, जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस करने से काफ़ी लोगों का कोर्स, काफ़ी लोगों का करियर बच जाएगा। फिर है एक और फाउंडेशन का ही पॉइंट है कि रिजल्ट्स, चलो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के तो राइटिंग पेपर्स हैं, टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, और सारे कोर्सेज में टाइम लगता है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा काम है पेपर चेकिंग, इतना आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, और अक्रॉस इंडिया पेपर्स होते हैं और सब होता है, और बहुत बड़ा है, मतलब एक पूरा क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत बड़ा टारगेट होता है कि वो टाइमलाइन में वो रिलीज़ करना, तो वो कमेंडेबल है। बट फाउंडेशन का मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। फाउंडेशन एमसीक्यू बेस्ड है, ऑनलाइन है, और फिर भी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। दिसंबर 18 का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। फेब में आ गए अपन, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब ये इनिशियल फाउंडेशन ऑनलाइन हुआ था, या जब रिटर्न पेपर भी था, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता था, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता था। वो 1 महीने का 45 दिन हुआ है, अब वो 2 महीना हो गया है, अब हालत ये है कि वो एग्जीक्यूटिव के साथ रिजल्ट आता है। सोचो, एक रिटर्न पेपर है और एक एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू के बावजूद वो ऑनलाइन है, फिर भी उसका रिजल्ट 2.5 महीने बाद आ रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम मुझे 2.5 महीने से नहीं है, प्रॉब्लम इससे ये है कि उनके पास नेक्स्ट लेवल के लिए टाइम कम बचता है। अब मुझे बताइए, को कौन सा एक स्टूडेंट है जो रिजल्ट के पहले पढ़ाई स्टार्ट करेगा? अरे भाई, रिजल्ट पास का देखेगा तो ही वो सेकेंड लेवल को अप्रोच करेगा ना। अगर आप उसको 1 महीने में रिजल्ट दे दोगे तो वो रजिस्टर करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। आप उसके एग्जीक्यूटिव का 1.5 से 2 महीना वेस्ट कर रहे हो, मुझे इससे प्रॉब्लम है। आपने न्यू सिलेबस में 8 सब्जेक्ट रखे हैं, 8 सब्जेक्ट के लिए बेचारे को 8 से 9 महीने ही दे रहे हो आप, कितना बड़ा ब्लंडर है। 1.5 2 महीने अगर उसके बच सकते हैं, आप ऑनलाइन का रिजल्ट फटाफट निकाल सकते हो 15-20 डेज में, तो उसके बेचारे के 2 महीने और स्टडी के अवेलेबिलिटी में बढ़ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, एक ग्रुप करते हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये पूरा उसमें सोच सोच के पागल कर देते हैं। तो ये इसलिए होता है, अगर उनको प्रॉपर 11 मंथ्स मिल जाएं, प्रॉपर 11-12 मंथ्स मिल जाएं, तो वो बोथ ग्रुप के लिए बहुत अच्छे मोराल से वो ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 9 मंथ्स ही मिलते हैं, 9-9.5 मंथ्स मिलते हैं, और उसमें भी फिर रजिस्ट्रेशन करो, फिर मॉड्यूल्स आएंगे, उसमें भी 1 महीना वेस्ट हो जाता है, 1 महीना मॉड्यूल आने में लगता है, और अभी न्यू सिलेबस में तो सबको पता है कितने महीने लग गए, और प्रोफेशनल लेवल के अभी तक मॉड्यूल रिलीज नहीं हुए, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, फिजिकल तो छोड़ दो, ऑनलाइन भी अभी तक पीडीएफ नहीं आई है 2 से 3 सब्जेक्ट्स की, ये हालत है। जून में एग्जाम्स है, फेब में अभी तक मॉड्यूल रिलीज नहीं हुए, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या मोराल होगा उनका, क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता, मुझे बहुत दया आती है उन पर, कैसा हुआ है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये उस पर कुछ मुझे ख्याल से करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, या एटलीस्ट कुछ गाइडेंस देना चाहिए, कुछ कुछ तो बच्चे से बात करो, आपका ही बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, आप बात करो उससे, उनको एटलीस्ट मोटिवेट करो कुछ कि वो क्या करें, ठीक है? तो ये मेरे को लगता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, थोड़ा टाइम वो भी ज़्यादा ही ले रहे हैं, पर ठीक है, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल का काम है, बहुत लंबा काम है, तो ठीक है, उतना मैं समझ सकता हूँ, मुझे नॉलेज है उस प्रोसीजर्स का, बट फाउंडेशन में बहुत गलत हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट उनके एग्जीक्यूटिव के स्टडीज पे भी पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। और फिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे वीडियो का, कि रीचेकिंग अलाउड होना चाहिए, जो सीए कोर्स में भी अभी चल रहा है, आई डोंट नो, मुझे स्टेटस नहीं पता उस रिफॉर्म्स का, बट सीबीएसई में और बहुत सारे दूसरे कोर्सेज में रीचेकिंग अलाउड है। रीवेरिफिकेशन और रीचेकिंग में फ़र्क है, अभी जो अलाउड है वो है रीवेरिफिकेशन, यानी उसमें सिर्फ टोटलिंग की जाती है फिर से, अगर कोई अनचेक्ड आंसर रह गया है तो फिर से चेक की जाती है, एक एक पेज का टोटल फिर से रीटोटलिंग किया जाता है, रीचेकिंग नहीं होती। मतलब एक क्वेश्चन अगर चेक हो गया है तो उसको फिर से रिव्यू नहीं किया जाता, अगर उसको कट करके उसने 0 दे दिया है
तो भी वो Q0 दिया है वो फिर से रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये बहुत बड़ी नीड है कि बच्चों के अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी लोगों का जेन्युइनली मार्क्स उनको कम मिलते हैं, काफ़ी लोगों को जीरो मिलते हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। एटलीस्ट बच्चे को अगर लगता है कि उसने सही आंसर लिखा है, क्योंकि देखो आप सजेस्टेड आंसर भी दे नहीं रहे, अब वो तो बेचारा उसको लगता है कि उसने सही लिखा है, उसके बाद ना सजेस्टेड आंसर है और उसको लगता है कि उसने सही लिखा है और उसको जीरो मिला है, तो वो तो ब्लंडर में ही रहेगा। वो क्या नेक्स्ट एग्जाम देगा, क्या अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लाएगा वो, उसको तो गलती नहीं पता चल रही क्योंकि आपने सजेस्टेड आंसर दिए नहीं है और जो रॉन्ग किया है जीरो जो दिया है उसमें कुछ लिखा ही नहीं आपने कि क्यों जीरो दिया है। तो बच्चा बहुत डायलेमा में आ गया है कि वो करे क्या, ना उसके पास सजेस्टेड आंसर्स है, ना वो किसी आंसर से मैच कर पा रहा है, ना वो जीरो मिला है तो उसमें कोई उन्होंने कुछ लिखा है कि ये क्यों जीरो है, बरोबर। और अगर उनको लगता है, उनको बिलीफ है, उन्होंने प्रॉपर चेक किया है बुक से कि हाँ हमने बरोबर आंसर लिखा है, फिर भी जीरो मिला है और उनके पास कोई एक्शन लेने का राइट भी नहीं है, तो ये हर तरफ से आपने उसको दबा के रखा है। सीए स्टूडेंट्स को कोई राइट ही नहीं दिए, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा एम्पावर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत बड़ी नीड है, रीचेकिंग अलाउड होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बेसिक चीज़ है। और इसका आप भले पैसा लो, इसमें खर्चा लगता है, बहुत टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, पर आप बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दो कि एटलीस्ट वो ये अप्लाई कर पाए, और उसका कॉस्ट वो बेयर करेगा, कॉस्ट आप लो जितना लगता है, क्योंकि रीचेकिंग में खर्चा लगता है बहुत और प्रोसीजर्स बढ़ जाते हैं, टाइम भी लगता है, बट मुझे लगता है कि ये ऑप्शन देना चाहिए। बच्चे का एक अटेम्प्ट बच सकता है, एक अटेम्प्ट क्या मतलब पूरा, मतलब क्या पता अगला अटेम्प्ट वो पास हो ना हो, बरोबर, तो हो सकता है उसका पूरा करियर बच जाए, क्योंकि अगर 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट हो गए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आप तो कोर्स छोड़ ही दोगे। तो री चेकिंग बहुत बेसिक चीज़ है और ये मेरे हिसाब से इतने बड़े और इतने प्रोफेशनल और इतने अच्छे कोर्स में अलाउ होना चाहिए। इसमें मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा, वो सब होगा, पर ये स्टूडेंट्स की ये बहुत बेसिक नीड है और इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे भी सोच विचार शुरू होने चाहिए और इस पे इसको कंसिडर करना चाहिए कि इसमें मेरिट है क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, और इसको अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स करते हैं तो पॉसिबल तो है, तो क्यों नहीं किया जाता, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये 6 बातें हैं, ये 6 बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो चल रहे हैं और जिनको बहुत जल्दी रिजोल्व करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सीएस स्टूडेंट्स एक एक करके सीएस कोर्स छोड़ते जाएंगे और बहुत लेट रियलाइज होगा इंस्टीट्यूट को कि ये इस वजह से हो रहा था और अगर वो चाहते तो इसमें वो कुछ कर सकते थे, तो बाद में करने से, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं इसको, काफ़ी लोगों ने कुछ भी मतलब इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुँचाई नहीं है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि क्यों नहीं पहुँचाई है। जब से ये चीज़ें हो रही हैं, मैं तो मेरे बच्चों को और मैं काफ़ी जगह बोलता ही हूँ, यूट्यूब पर तो मैं जस्ट अभी आया हूँ, पर ये मैं काफ़ी बच्चों को बोलते आ रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट डालो, ग्रीवाइंस ये करो, जितने ईमेल्स हैं वेबसाइट पे ईमेल दिए हुए हैं अलग अलग लेवल के लोगों का, उनको आप ईमेल करो, बरोबर, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही ईमेल्स हैं, सबके फ़ोन नंबर्स हैं, आप ट्राई तो करो। सबको प्रॉब्लम है कि जैसे काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट है, जैसे अभी जिन लोगों का जून एग्जाम है उनको लगता है कि अभी करेंगे भी तो चेंज तो दिसंबर या अगले में आएगा, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो ये माइंडसेट के जैसे ही हुआ है मेरे ख्याल से, कि एक बार फाउंडेशन बच्चा जैसे पास हो गया, अब वो कंप्लेन ही नहीं करता है कि यार इंटरनल वेटेज है, हमको प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अब तो पास हो गया, या फेल हो गया तो उसने कोर्स ही छोड़ दिया है, मतलब इन बोथ केसेस अब वो चीज़ उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। अरे पर कोर्स में तो बहुत गलत हो रहा है, उनको कोर्स से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको एक कोर्स से प्रोफेशन से कोई हमदर्दी नहीं है, ये तो क्यों कितनी गलत बात है, कितने खुदगर्ज लोग हैं कि वो अगर फाउंडेशन पास हो जाते हैं तो वो बात इंस्टीट्यूट तक पहुँचाते ही नहीं, क्योंकि अब वो पास हो गए हैं तब इनको आगे क्या लेना देना उसका, तो ये माइंडसेट है बच्चों का, कहीं ना कहीं ये माइंडसेट की वजह से ये बातें चल रही हैं और एक्सेप्टेबल हो गई हैं और लोगों को चुप कराया जाता है, तो बहुत गलत हो रहा है। तो मुझे इसलिए मैंने आपको लिखा है कि वॉइस रेस करो, वीडियो शेयर करो, बच्चों को पता होना चाहिए कि जो वो कोर्स ले रहे हैं उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं, ताकि वो उसके लिए पहले से ही माइंडसेट से तैयार रहें। माइंडसेट ही सबसे मेन है, माइंडसेट अगर सही है तो आप हर चीज़ फेस कर सकते हो, माइंडसेट ही नहीं है तो आप छोटी से छोटी चीज़ में भी हार सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शेयर करो और रेलेवेंट और रिस्पेक्टिव लोगों तक उसको पहुँचाओ, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स तक पहुँचाओ, इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उन तक पहुँचाओ, और प्रेसिडेंट सर जो हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर उन तक भी ये पहुँचनी चाहिए बात। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपने टाइम निकाला, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आप शेयर कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और
देखेंगे क्या होता है। और आप थोड़ा एज अ स्टूडेंट आप करो, क्योंकि मैं न सीएस स्टूडेंट हूँ न मैं सीएस मेंबर हूँ, तो मैं तो टेक्निकली कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पावर आपके हाथ में है, मेंबर्स के हाथ में है, वो अपने प्रोफेशन को और बेटर बना सकते हैं। और ये अब डिस्कस करना कि हमने ये किया है पहले से चल रहा है, ये सब बातें बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही बेतुकी हैं। और मुझे लगता है अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो जस्ट बिकॉज वो हो रही थी तो चलने देना चाहिए। ये बहुत गलत आर्ग्यूमेंट है जो काफ़ी लोग करते हैं, और मुझे बहुत ही हमदर्दी होती है उनसे कि यार ये ऐसे सोच कैसे रख सकते हैं कि वो चल रहा था, हमने भी वो फेस किया, आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, आपने सही अगर आपने वो की थी और आपने रेज नहीं किया तो आपकी गलती थी, आप गलत हो। और आपको गलती एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि वो भी गलती रिपीट करे, गलती गलती होती है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब भी लगेगा। मेरा भी माइंडसेट मैं प्रिपेयर किया हुआ हूँ कि ठीक है कुछ नेगेटिव ओपिनियंस आ सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, 5 साल का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, मुझे मैंने उस एंगल से नहीं बनाया। अगर कुछ लोगों को भी ये अवेयरनेस आ जाती है और अपना माइंडसेट प्रॉपर प्रिपेयर करके ये कोर्स परस्यू करेंगे तो मेरा मतलब ये जो भी टाइम है वो मेरा सक्सेसफुल हो गया, ऐसा मैं मान लूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।